फिर एक बार बाबा बुलडोजर के नाम से फेमस सीएम योगी ने करप्शन के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जिसकी चर्चा लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दे रही है, क्योंकि सीएम योगी ने न सिर्फ रिश्वतखोरों पर एक्शन लिया बल्कि उन तमाम भ्रष्टाचारियों को ऐसा सबक सिखाया है जिससे कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। योगी सरकार का साफ संदेश है कि ईमानदारों से बैर नहीं, भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, और इस पर अमल करते हुए योगी ने अपनी ही पुलिस पर नकेल कसते हुए सबको चौंका डाला है। दरअसल यूपी में कुछ पुलिसकर्मी अपना ईमान बेचकर वर्दी का रौब झाड़कर अवैध वसूली कर रहे थे, जिसकी भनक लगते ही योगी ने बड़ा एक्शन ले लिया। बता दें कि मामला यूपी के बलिया का है, जहां बिहार यूपी बॉर्डर पर ट्रकों से अवैध वसूली पिछले 18 महीनों से हो रही थी, जिसकी शिकायत होने पर वाराणसी एडीजी जोन पीयूष मोडिया ने छापेमारी की, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रकों से अवैध वसूली की शिकायतों के बाद एडीजी वाराणसी जोन और आजमगढ़ डीआईजी नरही थाने पहुंचे। उन्होंने थाने में बैठकर घंटों तक छानबीन की, मोबाइल के साथ दो नोटबुक भी बरामद किए और इसमें लेन देन का पूरा हिसाब किताब दर्ज था। इसी जांच में सामने आया कि थाने में हर रोज 5 लाख की वसूली होती थी, और इस प्रकार से देखा जाए तो महीने के 1.5 करोड़ और सालाना 18 करोड़ की अवैध वसूली का खेल थाने में जारी था। अब जरा पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल बुधवार गुरुवार रात करीब 1:30 बजे अफसरों ने भरौली पहुंचकर जाल बिछाया। रात 2 बजे से ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया। अफसरों को देखते ही थाने के 3 पुलिसकर्मी भाग निकले। वहीं कोरंट डी पुलिस चौकी पर सादे वेश में वसूली करने वाले 4 जवानों को टीम ने पकड़ लिया, और इस मामले में आरक्षी नरही हरदयाल सिंह कोरंट डी चौकी के आरक्षी सतीश को भी गिरफ्तार किया गया। सीएम योगी ने पुलिस को पब्लिक के जरिए जवाबदेह होने का निर्देश दिया है, और इसके अलावा अवैध वसूली के मामलों पर सख्त एक्शन के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बाद ये कार्रवाई सामने आई है। हालांकि बलिया में एक्शन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तंज कस दिया है। वहीं योगी सरकार ने इस मामले में एक्शन लेते हुए बलिया के एसपी और एएसपी को हटा दिया है। बलिया के नरही थाने को सबसे मलाईदार थाना कहा जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है इसका खुलासा एडीजी और डीआईजी की छापेमारी में हुआ। बता दें कि डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण ने कहा कि थाना क्षेत्र से गुजरने वाले हर ट्रक से 500 रुपए की वसूली होती थी। बिहार से इस तरफ रोजाना करीब 1000 ट्रकों की आवाजाही होती थी। डीआईजी के आंकड़ों को सही माना जाए तो इस लिहाज से रोजाना वसूली 5 लाख तक जाती है। वहीं महीने के हिसाब से 1.5 करोड़ की वसूली थाने से होती थी। हालांकि स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि ये आंकड़ा कम है, वसूली इससे अधिक होती है। 1000 ट्रकों के अलावा छोटे मालवाहक वाहन भी गुजरते हैं, और इससे भी हर माह मोटी रकम वसूली की जाती है। एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी वैभव कृष्ण ने गुरुवार को छापेमारी के दौरान नरही थाने में घंटों बैठकर छानबीन की। पूरी छानबीन के बाद बाहर निकले डीआईजी ने मीडिया से बातचीत की, और कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है भरौला तिराहा एक भरौली तिराहा वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त है। उसकी पहले रेकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए, और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटर डी चौकी पड़ती है वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया, तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से 1 सिपाही की अरेस्टिंग हुई है, और 1 प्राइवेट कर्मी एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटर डी को सस्पेंड किया गया है, और थाना प्रभारी
नरही को सस्पेंड किया गया है। FIR भी इसमें लिखी गई है जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं इनके खिलाफ FIR की गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1,000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रति ट्रक 500 रुपए की वसूली होती है। पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में भी वसूली के लिए थाने की पुलिस ने दलालों को तैनात किया था, उन्हें प्रति ट्रक 100 रुपए दिए जाते थे। पुलिस अधिकारियों के खुलासे से अवैध वसूली के कारोबार का काला सच भी सामने आ गया है। भरौली पुल पर अवैध वसूली मामले में पुलिस ने 23 लोगों पर केस दर्ज किया है। बता दें कि इसमें SO नरही, चौकी इंचार्ज कोरंट डी, 5 सिपाही और 16 दलाल शामिल हैं। DIG आजमगढ़ के PRO सुशील कुमार ने नरही थाने में ये केस दर्ज कराया है। उनकी तहरीर पर पन्नेलाल SO नरही, मंगला प्रसाद उपाध्याय SI नरही, विष्णु यादव मुख्य आरक्षी नरही, हरिदयाल सिंह आरक्षी नरही, दीपक मिश्र आरक्षी नरही, बलराम सिंह आरक्षी नरही, उदयवीर आरक्षी नरही, प्रशांत सिंह आरक्षी नरही, ओम प्रकाश आरक्षी चालक नरही, राजेश कुमार प्रभाकर चौकी प्रभारी कोरंट डी, चंद्रजीत यादव मुख्य आरक्षी कोरंट डी, औरंगजेब खां मुख्य आरक्षी कोरंट डी, परविंद यादव आरक्षी कोरंट डी, सतीश गुप्ता आरक्षी कोरंट डी, पंकज यादव आरक्षी कोरंट डी, ज्ञान चंद्र आरक्षी कोरंट डी और धर्मवीर पटेल आरक्षी कोरंट डी। बता दें कि अवैध वसूली की शिकायत पर छापेमारी के लिए अधिकारी पूरी प्लानिंग से पहुंचे थे। अधिकारी पुलिस वर्दी की जगह जीन्स टी शर्ट में थे। ADG और DIG प्राइवेट वाहन से भरौली गोलंबर पर आए थे। उनके साथ मौजूद तमाम पुलिसकर्मी भी सादी वर्दी में थे। भरौली गोलंबर और पुल पर कार्रवाई के बाद पुलिस अधिकारी एक ट्रक में सवार होकर कोरंट डी पुलिस चौकी तक पहुंचे। वहां एक सिपाही को वसूली करते रंगे हाथों पकड़ा गया और इस दौरान चौकी प्रभारी का निजी फॉलोवर भाग निकला। भरौली में कार्रवाई के बाद ADG पीयूष मोडिया और DIG वैभव कृष्ण एक ट्रक में सवार हो गए। भरौली से ट्रक कोरंट डी पुलिस चौकी पहुंचा, वहां पर भी अवैध वसूली चल रही थी। बता दें कि बलिया के दक्षिणी छोर पर साल 1913 में नरही थाने की स्थापना की गई थी और ये थाना बिहार के अधिकांश इलाकों से सटा हुआ है। बिहार के बक्सर को जोड़ने वाले सालों पुराने वीर कुंवर सिंह सेतु पर यातायात बंद हुआ तो इस मलाईदार थाने की कमाई प्रभावित हुई। 2023 में यहां नए पुल का निर्माण होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था फिर से बहाल की गई और इसके बाद जिले का ये थाना मलाईदार की श्रेणी में फिर से आ गया। बता दें कि बिहार के बक्सर से यूपी की सीमा में दाखिल होने वाले मालवाहकों से वसूली की शिकायत बढ़ने के बाद पुलिस विभाग सक्रिय हुई। कई दिनों तक रेकी की गई और इसके बाद गुरुवार की रात छापेमारी में पूरे मामले का खुलासा हो गया। फिलहाल CM योगी ने जो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की है उसने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। अब कोई भी पुलिसकर्मी करप्शन करने से पहले ये नहीं भूलेगा कि यूपी में बाबा बुलडोजर की सरकार है। परवाह न कर, तमाशे होते रहेंगे ताओ में, तो ये ख्याल रख तेरे किरदार पर कोई दाग ना आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मुहिम पर काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश उन्होंने अफसरों को दे दिया है। इसके बाद असर भी जमीन पर दिखने लगा है। एक तरफ जहां सुबह 4 बजे बुधवार को जब ADG और DIG की टीम ने तड़के छापेमारी की तो खुला भ्रष्टाचार सबके सामने है। लगभग 20 कर्मी सस्पेंड किए गए हैं, 18 से ज़्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं, कई पुलिसकर्मी फरार हैं, उनमें SHO भी शामिल हैं। लगातार इस अभियान के बाद अब ये लगने लगा है कि वाकई भ्रष्टाचार पर योगी आदित्यनाथ काफ़ी सख्त होते नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे अफसरों में भी उसका असर दिखने लगा है। लेकिन ये असर अपने लोगों के तीर और कमान चलाने के बाद हुआ है, यानी विपक्ष के साथ साथ जब अपने भी इस बात को मानने लगे और कहने लगे कि सरकार काम करने में थोड़ी सी ढिलाई बरत रही है, तो जिसके बाद ही योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्शन को जमीन पर उतार दिया है। अब धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा है कि वाकई योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है और उसके खिलाफ भी काम करती रहेगी। देखना यह है कि क्या अब अपने इस बात से मान जाएंगे या फिर
विपक्ष के तर्ज पर ही लगातार योगी सरकार पर प्रहार करते रहेंगे। इस स्टोरी को तैयार किया है जीएमडी सोशल मीडिया डेस्क ने। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।